हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आओ संवारे अपना घर। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। आज हम इस सीरीज़ में आपको दिखाने वाले हैं अपनी वॉल आर्ट जो 3D लुक में रहेगी, जिसको हमने खुद डिज़ाइन किया है। ये छोटे छोटे डिज़ाइंस जब हमारे बच्चे या हम खुद अपने घर में अपने हाथों से बनाते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। हम अपने घर को कैसे संवार सकते हैं? छोटे छोटे डिज़ाइंस बनाकर, छोटी छोटी क्रिएटिविटी करके। अब जैसे देखिए, बोर्ड पर एक छोटा सा ट्रक बनाया हुआ है बच्चों ने। अच्छे अच्छे स्टैचूज बनाए हुए हैं, मिनियंस बनाए हुए हैं, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब हम आपको दिखाने वाले हैं ये सुंदर सी बाइक जो कि मेरे बेटे ने वॉल पर बनाई हुई है। देखिए कितनी खूबसूरत ये बाइक लगती है। उसने पहले इसको बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉ किया और बहुत ही फाइन फिनिशिंग के साथ फिर इसको बनाया, पेंट किया। एनामेल पेंट से उसने इसको पेंट किया। बच्चों के छोटे छोटे इनिशिएटिव बहुत अच्छे लगते हैं हमें अपने घर में। ऐसे ही एक और डिज़ाइन जो कि गेट पर दोनों बच्चों ने मेरे बनाया हुआ है, ये मिनियंस, ये देखिए। ये चाहे तो हम स्टिकर्स भी लगा सकते थे, बट अपने द्वारा जब करी गई कोई मेहनत होती है, कोई बच्चे अपने ड्रॉ करते हैं अपने घर में, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। देखिए कितने खूबसूरत इन्होंने, ये कोरोना के टाइम पे जब बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई थी तो उन्होंने ड्रॉ किया था। अलग अलग शेप के ये मिनियंस, जैसे कि एक दूसरे का पैर पकड़ते हुए, सब अलग अलग फेसेस के अकॉर्डिंग ये मिनियंस बने हुए हैं। बहुत ही अच्छे ब्राइट कलर्स में बने हुए, बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब देखिए, ये इस तरह का एक हेक्सागन हम कट कर सकते हैं और ये कहीं से भी आपको यूट्यूब से आप पता चल जाएगा कि इसको कैसे ड्रॉ करना है। और उसके बाद देखिए, बहुत ही ईजी है इसको बनाना, इस वॉल आर्ट को। जैसे कि हम देखिए, आप इस तरह से हम पूरी दीवार पे हम लोग पैटर्न बनाते चले गए। देखिए, फिर उसके बाद हमने जैसे यहाँ था तो इस तरीके से इसको ड्रॉ किया और इस दीवार के चारों इस ऐसे लंबी पैरेलल एक लाइन बना ली हमने दोनों साइड, इधर भी और इधर भी ऐसे, और एक के साथ एक जैसे बनाते चले जाते हैं वो डिज़ाइन हमें समझ में आता चला जाता है। और अब मैं देखो ये कलर आपको इसमें दिखाती हूँ। ये एनामेल पेंट हमने इसमें यूज़ किया है और जैसे हम रेड कलर चूज़ करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लाइट शेड करते रहेंगे, उसमें थोड़ा सा डार्क ऐड किया, उससे डार्क शेड हो गई और फिर रेड कलर। इसी तरीके से हमने तीनों, ये एक 3D लुक देता है इस तरह से। जैसे आप देखिए, स्काई ब्लू शेड में भी मैंने सेम इसी टाइप से किया हुआ है, पहले स्काई ब्लू, फिर थोड़ा उससे डार्क और फिर और भी डार्क। देखिए आप हर शेड में इसी टाइप से है। अब ग्रे, ये वाली शेड ले लेते हैं हम, पहले लाइट फिर डार्क और फिर सबसे ज़्यादा डार्क हमने ये शेड ली है। हमने ये 6 या 7 इनेमिल पेंट कि लगभग शायद 250 ml की हमने कोई बोतल या ये जो है कंटेनर मंगाया था और उसी से हमने बहुत सारे कलर्स तैयार किए। सब ब्राइट कलर्स हैं, रैंडमली हम ऐसे बनाते चले गए, कोई ऐसे नहीं था कि हमें कलर का कुछ आइडिया था कि कौन से लेने हैं, बट ये था कि थोड़ा ब्राइट कलर लेने हैं। और इसी से देखिए आप 3D लुक इस वॉल का नज़र आता है।
जो बहुत ही खूबसूरत लगती है। मेरे ऊपर के पोर्शन में ये बना हुआ है, देखिए पूरी वॉल पे एंट्री करते ही हम सबसे पहले फ्रंट में हमें यही दिखाई देती है, और इतना प्यारा इसका ब्राइट कलर है और वाइट के साथ और भी ज्यादा खिल के आता है। ये देखिए आप, हर कलर में इसी टाइप से हमने बनाया हुआ है, जैसे देखिए ये लाइट, फिर उसके बाद थोड़ा डार्क और ये डार्क, ऐसे ही हम रैंडमली करते चले गए और कितनी खूबसूरत ये वॉल दिखाई देती है। इसी टाइप से ये मैंने और मेरी बेटी दोनों ने मिलकर हमने ये तैयार की थी, जिसमें हम पहले फटाफट से अपने घर का काम कंप्लीट किया करते थे और फिर शाम को थोड़ा इसको कर लिया करते थे। तो ऐसे हमारा बहुत सुंदर ये 3D डिज़ाइन तैयार हो गया है। मैं आपको दूसरी वॉल आर्ट अपने घर की दिखाती हूँ। ये हमारे बुद्धा जी का एक छोटा सा कॉर्नर, इसी के जस्ट ऊपर मेरे बेटे ने ये बाइक बनाई हुई है। देखिए कितनी खूबसूरत बाइक है, और बोर्ड पर भी एक छोटा सा डिज़ाइन उसने ड्रॉ किया हुआ है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ उसने पहले पूरा इसको पेंसिल से ड्रॉ किया और फिर ब्लैक कलर, ब्लैक एनामेल कलर से इसको पेंट किया। तो इस पूरी दीवार पर ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ। ये देखिए इधर 3D ये डिज़ाइन, कॉर्नर में हमारे बुद्धा जी बैठे हुए हैं और इधर हमारी ये बाइक बनी हुई है, तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए बुद्धा जी कितने ही शांति से, कितने प्यार से, कितना अच्छा ये कॉर्नर हमें लगता है, ग्रीनरी से भरा हुआ। ऐसे ही आप भी अपना तैयार कर सकते हैं, जैसे कि हम आपसे बात करते हैं कि आओ संवारे अपना घर। इस सीरीज में हम कुछ अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे और कुछ आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने घर को कैसे संवारते हैं, जिससे कि मुझे भी आपसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल सके। और हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लें, ऐसी ही यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियो।